लालची, चाइना ग्रीन मैंगो, येलो मैंगो। ढोलकपुर नाम के गांव में कालिया नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत आलसी था, उसे चोरी की भी आदत थी। वो अपने पिताजी के कमीज के जेब से पैसे चुराता था। माँ जो पैसे डिब्बे में छुपा कर रखती थी, वो पैसे चुरा कर उनसे वो ऐश करता था। एक दिन उसके पिताजी, अरे काम चोर कहीं के, और कितने दिन तुम यूं बेकार घूमते रहोगे? हमारे गांव के साइंटिस्ट के घर में उसके नौकर ने काम छोड़ दिया है। मैंने वो नौकरी तुम्हें देने की सिफारिश की, वो साइंटिस्ट और उसकी पत्नी दोनों मान गए। तुम कल ही जाकर काम पर लग जाओ, तुम्हारे वेतन के बारे में मैं बात कर लूंगा। अगर जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। यूं चेतावनी दी। इस तरह कालिया मन मार के साइंटिस्ट के घर में काम करने लगा। घर को झाड़ू मारना, कपड़े धोना, खाना पकाना और साइंटिस्ट को चाय पिलाना, यूं सारे काम वो करने लगा। वो आदत से मजबूर साइंटिस्ट के कमीज के जेब से पैसे चुराने लगा। जब किसी ने उसे पकड़ा नहीं तो वो और चुराने लगा। एक दिन वो साइंटिस्ट के लिए चाय लेकर लैब में जा रहा था, तब उसने देखा कि साइंटिस्ट किसी के साथ बात कर रहा है। साइंटिस्ट के सामने एक चीनी आदमी बैठा था। साइंटिस्ट कह रहा था, अब मेरी बात सुनिए प्रोफेसर जिंगपिंग साहब, ये आपके सामने जो दो इंजेक्शंस हैं, ये दो किस्म से काम करते हैं। अगर ये लाल रंग का इंजेक्शन डाला तो पेड़ में जो फल लगे हैं वो बहुत धीरे से पकेंगे, यानी जो फल 3 महीने में पकते हैं वो ये इंजेक्शन लगाने से 1 साल में पकेंगे। और अगर ये हरे रंग का इंजेक्शन डाला तो 1 महीने में जो फल पकने वाले हैं वो 1 ही दिन में पक जाएंगे, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आपने कहा था ना कि चीन में आपके यूनिवर्सिटी में इस इंजेक्शन का अनुसंधान करना है, तो इसीलिए मैंने ये इंजेक्शन तैयार किया है और मैं आपको देना चाहता हूँ, पर ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, इनमें छोटी छोटी तब्दीलियाँ करनी होंगी। आप कल सुबह आइए और ये इंजेक्शन ले जाइए। ये सुनकर कालिया के मन में लालच जगी। बाद में उसने हरे रंग का इंजेक्शन लिया और वहां से चला गया। घर के अलमारी से कुछ पैसे चुराए, वो सीधा एक आम के बाग में गया और उसके मालिक से, भाई साहब, इन फलों को पकने में और कितना दिन लगेंगे और इनकी कीमत क्या होगी? तब बाग का मालिक, कम से कम और 2 महीने लगेंगे भैया, और पूरे बाग के फलों की कीमत 1,00,000 रुपए है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब कालिया, भाई साहब, मैं सारे फल अभी खरीद लूंगा, अब बारिश में फलों के नाश होने का खतरा है ना, इसलिए मैं अभी 50,000 रुपए देकर आपसे खरीदता हूँ, मुझे बाग के सारे फल दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, अब कच्चे आम के इससे ज्यादा पैसे आपको कौन देगा। बाग के मालिक को ये अच्छा लगा और उसने बेच दिया। कालिया ने उन सारे फलों को एक गाड़ी में डाला और उनको इंजेक्शन लगाने लगा। वो सारे आम पककर पीले हो गए। उन्हें ले जाकर गांव में बेचने लगा। अरे आम लो आम, एकदम मीठे मीठे पीले पीले आम, आओ भैया आओ, आओ बहन जी आओ। लोग आकर उसे खरीद कर खाने लगे, क्योंकि उन फलों का स्वाद बहुत अच्छा था। लोग ज्यादा मात्रा में खरीद कर ले जाने लगे। इस तरह उसने खूब पैसे कमाए। यूं वो बाग के मालिक से कम दाम में फल खरीदता, उन्हें इंजेक्शन डालकर पकाकर लोगों को बेचता था। इस तरह वो खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन साइंटिस्ट कुछ पुलिस को लेकर उसके ठेले के पास आया।
उन्हें देखकर कालिया घबरा गया। लोगों के समझ में कुछ नहीं आया, वो आम खा रहे थे और ये तमाशा देख रहे थे। तब साइंटिस्ट, यही है वो चोर, मैंने जो इंजेक्शन तैयार किया ये इस तरह उसका दुरुपयोग कर रहा है। इन फलों को खाने से सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस इंजेक्शन में और बहुत सारे परिशोधन करना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही इस कमीने ने ये इंजेक्शन चुरा लिया। ये सुनकर लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने अपने हाथ में रखे फलों को फेंका और कालिया को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऐसे ही, ठहरो भाइयों ठहरो। क्यों रे कमीने कालिये, तू समझता है तू बहुत होशियार है? लगता है तुम भूल गए कि साइंटिस्ट के घर में सीसीटीवी कैमरा है जिसने तुम्हारे चोरी को बाकायदा रिकॉर्ड किया है। तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो। गाँव वालों, इस कमीने को कोई मामूली सजा नहीं देनी चाहिए। साइंटिस्ट साहब, आप इसे वो इंजेक्शन लगाइए। कहकर सब पुलिस वालों ने मिलकर उसे कस के पकड़ा। साइंटिस्ट ने उसे इंजेक्शन डाला, बस वो एकदम से बूढ़ा हो गया। ये देखकर सब हंसने लगे। नमक वाला। बदरा नाम के गांव में गिरी नाम का व्यक्ति रहता था। उसका बेटा था नील। गिरी उस गांव में नमक बेचने का व्यापार करता था, लेकिन उस गांव में नमक की ज्यादा बिक्री नहीं होती थी। एक दिन गिरी अपने घर के आंगन में पौधों को पानी डाल रहा था कि तभी उसका बेटा नील उसके पास आया और, पिताजी मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मैं मुंबई जाऊंगा और कोई छोटा मोटा काम करूंगा और फिल्म वालों के सामने घूमता रहूंगा। वो मेरी खूबसूरती देखकर मुझे फिल्मों में हीरो बनने का मौका देंगे, बस फिर आपको नमक बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिताजी। तो बस आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। और हाँ, थोड़े दिनों बाद आप भी माँ को लेकर मुंबई पहुँच जाइए। नील की माँ वीना जो वहीं खड़ी थी ये बात सुनकर नील से, बेटा सपने देखने का भी एक हद होता है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं चांद को रस्सी से खींच कर नीचे लाऊंगा या सूरज पे जाके मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो ये सब तो होगा नहीं ना बेटा। आजकल तुम बस ऐसी ही सोच में पड़े रहते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा रात को मोबाइल देखना बंद करो और जल्दी से सो जाया करो। अगर तुम्हारी ये बातें गाँव वालों ने सुन ली तो तुम्हें किसी पेड़ के साथ बांध देंगे ये कहकर कि तुम में भूत चढ़ गया है। तब नील, माँ तुम भी ना बस यूं ही, तुम देखती जाओ माँ, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा हीरो बनूंगा। तब गिरी, बेटा ये सब बातें रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर हाँ अगर तुम हीरो बन गए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। एक काम करो बेटा, कल से अपने दुकान पर तुम ही बैठा करो, तुम्हें जो 50,000 रुपए चाहिए वो पैसे तुम ही कमाओ और तुम ही उसे ले जाओ, तब तक घर के खर्चे के लिए भी तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर चला गया। नील ने ठीक है कहा और उस दिन वो अपने दुकान पर चला गया। वहाँ दुकान पर बद्री नाम का व्यक्ति काम करता था। वो नील से, क्यों बेटे, अब तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है दुकान देखने के लिए, और तुम्हारा वो मुंबई का क्या हुआ? मैं, मुझे तो सब पता है, सुना है कि तुम हीरो बनने का सपना देख रहे हो। अरे ये सब कहाँ होने वाला है बेटा, ये सब हम जैसों के लिए नहीं है बेटा। चलो अब आ गए हो तो सो जाओ, शाम तक एक ग्राहक आ गया तो आ गया, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम आराम से सो जाओ बेटा। तब नील, क्या बात कर रहे हैं चाचा, बस दिन में एक ग्राहक आता है और वो भी इतने बड़े गांव में। तब बद्री, हाँ बेटा कोई ग्राहक आता है तो 1 या 2 किलो खरीद कर ले जाता है नमक, और वो महीने भर चलता है, इसीलिए पूरे महीने में हम सिर्फ 4-5 दिन बिजी रहते हैं बस। तब नील, अच्छा तो चाचा जी यहाँ दुकान में बैठे क्या करेंगे, चलिए चाय पीते हैं। यूं कहकर नील बद्री के साथ चाय की दुकान पर चला गया चाय पीने के लिए। वहाँ चाय की दुकान पर उस गांव का चुगली खोर मारुति बैठा था। ये देखकर नील बद्री से, चाचा जी आपको पता है एक टॉप सीक्रेट की बात बताता हूँ आपको, मैं मेरे दिल्ली वाले दोस्त ने मुझे ये खबर दी है कि बहुत जल्द नमक का दाम बढ़ने वाला है। कुछ साइंटिस्टों ने नमक पर परिशोधन किया यानी रिसर्च, और उन्हें पता चला है कि घर के नेगेटिव एनर्जी को नमक खत्म कर देता है। उसका कहना है कि एक बाल्टी भर पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर सारे घर में पोछा लगा दे तो घर का सारा नेगेटिव एनर्जी चला जाता।
होता है। इतना ही नहीं, एक मुट्ठी भर यानी एक छोटे से कटोरी में नमक लेकर बच्चों का अगर नजर उतारा जाए तो बच्चे सेहतमंद रहते हैं। और हाँ, ये तो कहना भूल गया, वो कह रहा था कि हमेशा घर में कम से कम 10 kg नमक रखना चाहिए, ऐसा किया तो घर में पैसों की ढेर लग जाएगी। वो कह रहा था कि इन साइंटिस्टों को कुछ पुराने ग्रंथ हाथ लगे हैं जिसमें इसका वर्णन है। बस ये बात सुनकर मारुति वहाँ से झट से भाग गया और सारे गांव में ये खबर फैला दी। इस तरह जब नील और बद्री अपनी दुकान की ओर गए तब उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर एक व्यक्ति बस्ता भर भर कर नमक खरीद कर ले जाने लगा। ये देखकर बद्री हैरान रह गया। यूं देखते देखते नील ने एक ट्रक भर के नमक को बेच डाला। इस बात की खबर मिलते ही गिरी अगले दिन दुकान पर आया और नील से, नील बेटे तुम तुरंत मुंबई जाओ, 2 दिनों में तुमने मुझे 1,00,000 रुपए कमा कर दिया है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगे। जाओ बेटा, तुम्हें अगर और पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें भेज दिया करूँगा। कहकर उसने नील को पैसे दिए। ये देखकर बद्री ने ताली बजाई। बाद में नील ने अपने माँ बाप के आशीर्वाद ली और मुंबई की ओर रवाना हो गया।